राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। आगरा के बेहद दर्दनाक हादसा, फुटपाथ पर सो रहे 9 लोग पर कंटेनर चढ़ा, 5 की मौत। सिकंदरा क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास मंगलवार देर रात दुकानों के सामने फुटपाथ पर सो रहे 9 लोग पर अनियंत्रित होकर कंटेनर चढ़ गया। इस हादसे में 5 की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर है। दोनों को एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। मृतकों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। घायलों में एक आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 16 और दूसरा सावंज का रहने वाला है। पुलिस उनके बारे में पता कर रही है। हादसे के बाद पुलिस ने कंटेनर चालक और क्लीनर को पकड़ लिया है। पुलिस मरने वालों की पहचान करने के प्रयास कर रही है। वाईके सिटी न्यूज से जिला संवाददाता जितेंद्र कैन की रिपोर्ट, आगरा से। थाना सिकंदरा क्षेत्र से होते हुए हमारा नेशनल हाईवे गुजरता है और एक गुरु कताल गुरुद्वारे के पास कल रात लगभग 12:30 से 1 के बीच में एक ट्रक तेजी से जो चला जा रहा था और अनियंत्रित होकर कुछ दुकानें हैं सिंगल स्टोरी उनके नीचे विश्राम कर रहे लोगों के ऊपर चढ़ गया, जिनमें मौके से ही 5 लोगों की मृत्यु हो गई। 2 लोग जो घायल अवस्था में थे उन्हें पुलिस के द्वारा तत्काल इलाज के लिए भेजा गया था। उनकी पहचान हो गई, आगरा के ही निवासी हैं वो दोनों, और मौके से ही गाड़ी को जब्त कर लिया गया था जो ट्रक था। उसके साथ ही जो ड्राइवर और जो परिचालक थे उन्हें भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और मुकदमा लिखा जा रहा है। आगे भी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ये ट्रक देखिए कानपुर नंबर का रजिस्टर्ड ट्रक है, UP 78 रजिस्टर्ड है और पूछताछ में पता चला है कि मैनपुरी की तरफ से आ रहा था और दिल्ली NCR की तरफ जा रहा था। देखिए जो घायल हैं उनमें से 2 लोगों की शिनाख्त हो गई है, एक शाहगंज और एक थाना जगदीशपुरा के निवासी हैं। क्योंकि अभी वो लोग थोड़ा स्टेबल हो रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करके हम लोग बाकी जो 5 लोग हैं उनकी भी शिनाख्त जल्दी कर लेंगे। ये लेबर क्लास के लोग हैं और इनके साथ ही ये दुखद हादसा हो गया।